the European Central Bank has also seen very high inflation. The ECB, the European Central Bank, has raised interest rates 9 consecutive times, and they're all hikes, and today it is at a 23-year high. If that is the case with European Central Bank, in Germany too, which is the largest economy in Europe, there too the challenges are very, very big, and the IMF expects the German economy to contract at a projected 0.3% in 2023. Itna niche tak Germany ke economy bhi giravat mein aa rahi hai. Sir, China, yes, it's a very big economy. Duniya mein US, China, ye sab bada economy sir. Main seedha unse hamare economy ko tulna nahi kar rahi. Magar challenges jo hai duniya bhar ke, और उस चैलेंजेस के वजह से इतना मजबूत जो माना जाता था मजबूत इकोनॉमी चाइना जैसे आज एकदम कंज्यूमर डिमांड स्टैग्नेशन के सिचुएशन में है और वेजेस स्टैग्नेशन में है. आज भारत के मीडिया भी ये लिख रहा है कि शायद चाइना एकदम डिफ्लेशन में चली जा रही है. सो चाइना का सिचुएशन, यूरो जोन का सिचुएशन, यूके का सिचुएशन, और आप सब मीडिया में 2 दिन पहले देखे होंगे कि यूएस का डाउनग्रेड हुआ और उसके कारण उनके स्टॉक मार्केट में उथल पुथल होने लगा. इसीलिए मैं इन सब परिप्रेक्ष्य में ऑनरेबल स्पीकर सर आपसे विज्ञप्ति करती हूं कि भारत के इकोनॉमी को एक बार हम इस नजरिया से देखते हुए भारत के इकोनॉमी का हालात को समझना चाहिए. 2013 में जो मॉर्गन स्टैनली ने दुनिया में 5 सबसे नाजुक इकोनॉमी के लिस्ट करते हुए भारत का भी उसमें जोड़ा. 2013 इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड एज अ फ्रजाइल इकोनॉमी. उसी मॉर्गन स्टैनली आज भारत को अपग्रेड करते हैं, भारत को हायर रेटिंग देते हैं. सिर्फ 9 साल में इतना एकदम खराब और फ्रजाइल परिस्थिति में जो इकोनॉमी गिरावट हमारी हुई उससे निकलते हुए हमारे सरकार की पॉलिसी के वजह से आर्थिक सुधार हुआ, कोविड के बावजूद भी सुधार हुआ, और आज हम देश सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है. और हमारे रियल जीडीपी ग्रोथ 7.2 2022-23 में हुआ एंड इट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 6.5% इन 23-24. दीज आर प्रोजेक्शंस गिवन बाय नॉट जस्ट वन एजेंसी, सेवरल ग्लोबल एजेंसीज, एंड our own RBI's projection is also saying this. So sabse bada, sabse fastest growing economy aur upgrade kiye gaye economy, jabki US ho, China ho, sabka degrading, downgrading ho raha hai. So India is in a rare position, sir, of being optimistic and positive for its future growth. Sir, ye sab कैसे हो संभव पॉसिबल हुआ? 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के रास्ते पे चलते हुए हमारे पॉलिसी को इतना सुधारा जिसके वजह से कोविड का संकट भी क्यों ना हुआ, हम उससे पार करते हुए आज रिकवरी के रास्ते पर सबसे तेजी गति में आगे बढ़ रहे हैं. इससे पहले सर जनधन योजना सबके साथ का उदाहरण मैं बोलने वाली हूं. जनधन योजना, डिजिटल इंडिया मिशन, फोकस ऑन हेल्थ थ्रू आयुष्मान भारत, जन औषधि केंद्र, ये सब सामान्य लोग के लिए बेनिफिट करने वाले ऐसे स्कीम के द्वारा ही सबका साथ हुआ है. मगर इससे पहले हम सुनते थे गरीबी हटाओ,
बार बार छह दशकों से हम सुन रहे हैं गरीबी हटाओ, सचमुच में हटाया गया क्या? नहीं। अभी आप देख रहे हैं हम क्लियरली पॉवर्टी को कम करने में सफल देख पा रहे हैं, और भी काम बाकी है। सो यूपीए सरकार ने एक पोस्ट डेटेड चेक देते थे, हम सब समझते हैं आज का डेट चेक नहीं, फ्यूचर डेट में चेक दिया गया गरीबी हटेगा, मगर वो नहीं है हमारे पॉलिसी, और मोदी जी ने इसको पूरे के पूरे परिवर्तन कर चुके हैं। मैं जवाब देती हूँ सर, उसका भी देती हूँ जवाब सर। ये बदलाव कैसे हुआ भाई? सर ये परिवर्तन कैसे हुआ? देर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन आर गवर्नेंस। वो ट्रांसफॉर्मेशन से वो सर वो ट्रांसफॉर्मेशन मैं सिंपली समरी करना चाहती हूं, मगर डिटेल भी बोलूंगी। वर्ड्स लाइक बनेगा, मिलेगा, ये सब हो गया अभी। हम वो नहीं है जनता, आजकल क्या उपयोग कर रहे हैं? बन गए, मिल गए और आ गए, यही हो रही है शब्दावली। मैं उदाहरण के लिए बोल रही हूं, यूपीए के समय बिजली आएगी करते थे लोग, अभी बिजली आ गए। गैस कनेक्शन मिलेगा, आज गैस कनेक्शन मिल गया। वाटर कनेक्शन मिलेगा करते थे यूपीए में, अभी मिल गया। पीएम आवास का घर बनेगा, अभी पीएम आवास का घर बन गया। टॉयलेट्स बनेगा करते थे, अभी टॉयलेट बन गए। गांव में सड़क बनेगा बोलते थे, अभी गांव में सड़क बन गए। हाईवेज बनेगा करते थे, अभी हाईवेज बन गए। ब्रिजेस बनेगा करते थे, अभी ब्रिजेस बन गए। पोर्ट्स बनेगा करते थे, अभी पोर्ट्स बन गए। एयरपोर्ट्स बनेगा करते थे, अभी एयरपोर्ट्स बन गए। बैंक अकाउंट्स खुलेगा करते थे, अभी बैंक अकाउंट्स खुल गए। किसान और एमएसएमई को ईसी लोन मिलेगा करते थे, अभी किसान और एमएसएमई को ईसी बैंक लोन मिल गए। सस्ती दवाई सस्ती दवाई और स्वास्थ्य सुविधा मिलेगा करते थे, अभी सस्ती दवाई और स्वास्थ्य सुविधा मिल गया। आसानी से राशन मिलेगा करते थे, अभी आसानी से राशन मिल गया। इसीलिए सर इसका समझ आवश्यक है, एक्चुअल डिलीवरी से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ना कि मुंह से शब्द कहकर गुमराह करने से। इसीलिए आप